हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 2024 में क्वेब का फ्री अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ जान लो कि इस अकाउंट का यूज़ क्या है, या फिर अगर हम इस अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे तो इसका हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा या फिर क्या लॉस होने वाला है। तो बेसिकली जैसे कि हम व्हाट्सअप बोट डेवलप करते हैं, उसके लिए हमें अदर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हीरोको हो गया, रेलवे, रेपलेट, कोड स्पेस या फिर मोगेनेस। तो इसी की तरह कोई भी क्या करेगा, बोट डेप्लॉय करेगा। लेकिन इस पे आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं और कुछ लॉस। तो जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है हीरोको, इससे हम कोई की वर्सेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीमैन की। तो एंटीमैन बेसिकली क्या है कि हीरोको, आप अगर आप हीरोको का अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपका अकाउंट 1 या 2 दिन में बैन होता रहता है, लेकिन कोई पे आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, ये आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। सेकंड नंबर, फ्री हीरोको बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इस पर आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ता है, लेकिन कोई अब आपको कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है। नंबर 3, इजी टू क्रिएट, ये का है जैसे कि हम हीरोको का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत सारी इशू परेशानी सेल्फ फोर्स ऑथेंटिकेटर से इसको अप्रूवल करना पड़ता है, लेकिन आपको कोई में ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। फोर्थ नंबर पर 1 GB RAM, इससे क्या है कि आपका बोट की स्पीड काफ़ी हाई रहती है और जो क्वेब हमको 512 MB ही देता है, मतलब आपका बोट क्वेब पर थोड़ा स्लो चलेगा। नंबर 5, फास्ट डेप्लॉय, ये क्या चीज़ है? तो ये हीरोको पे ये वर्क नहीं करता, लेकिन क्वेब जो है सबसे फास्ट बोट डेप्लॉय करता है। नंबर 6, डाटाबेस URL, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको डाटाबेस URL देते हैं। तो अब सीधे चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कि क्वेब का अकाउंट के बाद आपको अपने फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सर्च करना है क्वेब साइन अप, इतना लिख के सर्च कर देंगे। सो आपको कुछ लिंक प्रोवाइड की जाएंगे, तो सबसे ऊपर जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। इसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा गिटहब से साइन अप करने का, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें ईमेल का ऑप्शन दिया है, तो मैं गिटहब से पहले ही एक अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं ईमेल से अपना अकाउंट बनाता हूँ। तो अब आपको अपना यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना टैग गॉड नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर। देन उसके बाद हमें अपना यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी है। आप टेम्परेरी मेल भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं अपने इसमें ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। और देन उसके बाद हमें यहाँ पे अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है, तो मैं इसमें कोई भी अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इजी या फिर स्ट्रॉन्ग कोई सा भी एक पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद फाइनली साइन अप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ पासवर्ड को। देन यहाँ पे बोला है कि कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो हमें अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है। वहाँ पे इन्होंने एक लिंक दिया होगा, इसको हमको कन्फर्म कर देना है। ईमेल मैंने ओपन की, इसके बाद में मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप भी रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद में देख सकते हैं मुझे क्वेब से मैसेज आया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे इन्होंने अपनी टर्म कुछ कंडीशन दी है या फिर थैंक यू बोला है हमें, तो इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे और यहाँ पे दिया है वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पर हमें सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमें रिडायरेक्ट ब्राउज़र में करेगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। इतना होने के बाद यहाँ पे हमें अपना एक यूजर नेम डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैग कोड ही लिख लेता हूँ। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो 39 लेटर तक लिख सकते हो आप, या फिर जो स्मॉल लेटर में होना चाहिए सब, और बीच में स्पेस होनी नहीं चाहिए। तो मैं टैग कोड 143 डालता हूँ, तो मैं यही डाल के देखता हूँ। देन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये यूजर नेम जो पहले से किसी ने लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकेंड यूजर नेम सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ टैग गॉड रहने देता हूँ। देन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। देन ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे ऊपर हमें सिलेक्ट करना होगा माई सेल्फ कि कोई हम किस लिए यूज कर रहे हैं। देन आई एम ए, इस पर क्लिक करके हॉबी डेवलपर, इस पर आप क्लिक कर देना। इस पर आप समथिंग एल्स इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे आप जावा लैंग्वेज है, इसको सिलेक्ट कर लेना। फाइनली आप ये पूछ रहा है क्यों आपको ये ज़रूरत है, तो आपको इसमें वेब एप्स सिलेक्ट कर लेना है।
देन नीचे दिया है कि आपने क्वेब के बारे में कहाँ सुना है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं इसमें। आप क्या करना, इसमें सोशल मीडिया इसमें सिलेक्ट कर देना, और इतना करने के बाद फाइनली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के साथ इश्यू क्या आ सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से एरर शो करे, तो आपको वैलिडेट अकाउंट पे क्लिक करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपका अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि क्वेब पे बोट डिप्लॉय किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाकर आप सब देख सकते हैं।